शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम ग्रण्य सूर्याय नमः। आज हम इस फिल्म में आपको सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देने यानी सूर्य पर जल चढ़ाने की विधि का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और जिस किसी का भी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है या हाथों की रेखाओं में सूर्य खराब है या अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रबल है, बलवान है या उच्चस्थ है यानि उच्च का बैठा हुआ है, तो कमजोर हो या बलवान हो, दोनों ही स्थिति में सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देना चाहिए यानी सवेरे के वक्त उन पर जल चढ़ाना चाहिए। तो ये जो जल चढ़ाने की विधि है, तो जिन लोगों के पिता से संबंध ठीक नहीं है या राजकाज में कोई रुकावट आ रही है या कर्म क्षेत्र में कोई रुकावट आ रही है, तो ये हर रुकावट को, हर विघ्न बाधा को दूर कर देते हैं। और चूंकि राजयोग के ये विशिष्ट स्वामी हैं, सूर्य से जो है अनेक प्रकार के राजयोग बनते हैं, तो जहाँ राजकाज में बाधा आ रही हो, विघ्न आ रहा हो और किसी भी प्रकार से पिता से या किसी शासन से या राजा से या राजनीति से कोई परेशानी, विघ्न बाधा, रुकावट पैदा हो रही हो, तो उसे नियमित रूप से सूर्य पर अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, सूर्य उपासना करना चाहिए और सूर्य के पूरा भक्ति भाव से जितना बन पड़े उतना सब कुछ करना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर हम विधान का वर्णन कर रहे हैं, तो आज हम इसमें सूर्य को अर्घ्य देने और सूर्य को जल चढ़ाने जो प्रातःकाल, उसके विधि और विधान का ही यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पूरी सूर्य उपासना हम अपनी अगली किसी फिल्म में देंगे जिसमें आप पूरी सूर्य उपासना की विधि जान सकेंगे और उसके अनुसार उसे कर सकेंगे, क्योंकि सूर्य उपासना का जीवन में बहुत महत्व है। और जीवन में सूर्य और चंद्र ये दो ग्रह हैं जो कभी भी वक्री नहीं होते, ये दो ग्रहों की ये विशेषता है। तो इन सूर्य की और चंद्र की विशेष उपासना जीवन में हर पल और नियमित रूप से मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जो कभी भी वक्री नहीं होते। और दो ग्रह राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी मार्गी नहीं होते, हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो आज हम यहाँ ये सूर्य पर जल चढ़ाने का, सूर्य को अर्घ्य देने का जो विधान बता रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखें। एक तो ये कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल इसमें किया जाना चाहिए, और दूसरे ये कि सूर्य को सम्मुख यानी सूर्य दिखाई देने चाहिए। सूर्य दिखाई न दें तो आप सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सकते और सूर्य पर जल नहीं चढ़ा सकते, और चढ़ाएंगे भी तो वो बेकार है, बेअसर है, किसी मतलब का नहीं है। और जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सूर्य का रंग सुनहरा हो, लालामी लिए हुए, यानी भोर काल में जब सूर्य उदय होते हैं अपने सुनहरे लाल रंग के साथ, सिंदूरी थोड़ा सा मतलब सुनहरापन रहता है, उस सूर्य को सुबह जल चढ़ाना चाहिए और उन्हीं को अर्घ्य देना चाहिए। तो दूसरा और जो तंत्र शास्त्र का विधान है, ज्योतिष का विधान है, इसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है कि अभिजित वेला तक सूर्य को चढ़ता हुआ माना जाता है, उसके बाद सूर्य का उतरता हुआ माना जाता है। तो जितनी भी पूजा है
किसी भी देवी देवता की हो या जितने भी उन्नति के कार्य हैं, मंगल कार्य हैं, वो सब के सब अभिद वेला तक हो जाने चाहिए, यानी चढ़ते सूरज में होना चाहिए। उतरते सूरज में क्रियाएं नहीं की जा सकती। और दोपहर में पूजा जो लोग करते हैं, उनके जीवन में तमाम कष्ट क्लेश कलह और तमाम विपदाएं आती रहती हैं, अतः दोपहर की पूजा वर्जित रहती है। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं करते हैं और तीनों संध्याएं नहीं करते हैं, तो दोपहर की संध्या सर्वथा वर्जित है। दोपहर में आप कोई भी पूजा न करें। जो दोपहर में पूजा करेगा, उसे अनेक कष्ट क्लेश, दरिद्रता, दुख और तमाम परेशानियों से जूझना पड़ेगा, तमाम संकटों से वो घिर जाएगा। तो दोपहर की पूजा नहीं करना चाहिए। इसलिए चढ़ते सूरज में हमेशा करें। और चढ़ता सूरज का अर्थ है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अभिजीत वेला तक चढ़ता हुआ सूरज रहता है, उसके बाद में फिर उसे उतरता सूरज मानते हैं। तो एन दोपहर में कभी पूजा न करें, ये विशेष ध्यान रखें। किसी भी देवी देवता की, केवल सूर्य की ही नहीं, किसी भी देवी देवता का किसी भी दशा में अगर आप तीनों वक्त नहीं करते हैं, तो दोपहर वाला बिल्कुल से न करें। उसको खूनी पूजा कहा जाता है। फिर वहाँ पर पिशाचिक शक्तियाँ निवास कर लेती हैं, जिसको दूसरी भाषा में नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी कहते हैं। आपस में मतभेद पैदा हो जाते हैं, विद्वेष उच्चाटन हो जाते हैं, यहाँ तक कि पति पत्नियों के संबंध भी खराब हो जाते हैं, परिवार के संबंध खराब हो जाते हैं, और वह घर विनाश और पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर सूर्य का जल चढ़ाने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। तो सूर्य की पूजा एवं वंदना ये नित्य कर्म में आती है। शास्त्र में इसका बहुत महत्व बतलाया गया है। दूध देने वाली 1 लाख गायों के दान का जो फल होता है, उससे भी बढ़कर फल एक दिन की सूर्य पूजा से होता है। और इस संबंध में जो श्लोक है वो ये है, प्रातः संध्या वसाने तो नित्यम सूर्यम समर्चयेत प्रदद्याद वये गवाम लक्ष्यम दोग्रीणाम वेद पारगे एकाहा मर्चयेत मानुम तस्य पुण्यम तनो अधिकम। पूजा की तरह सूर्य के नमस्कारों का भी महत्व है। और इसके लिए श्लोक है, यह सूर्य पूज ये नित्यम प्रणमेद वापि भक्तिता तस्य योगम च मोक्षम च ब्रग्न स्तुष्ट प्रयच्छति। अब इसमें जो सूर्य के जो नमस्कारों की बात है, ये सूर्य के जो 12 नमस्कार जो हठ योग में किए जाते हैं, ये वो विधान नहीं है। इसमें वो विधान नहीं किया जाता है हठ योग वाला, क्योंकि सूर्य राजयोगी हैं, तो उसका एक अलग विधान है जिसका हम आगे यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। तो सूर्य को 12 नमस्कार किस प्रकार से और किन मंत्रों से किए जाते हैं, वो विधि बता रहे हैं। सूर्य के 12 नामों के द्वारा होने वाले 12 नमस्कारों की विधि हम यहाँ बता रहे हैं। और प्रणामों में साष्टांग प्रणाम का अधिक महत्व तो बताया गया है, अधिक महत्व तो माना गया है, यह अधिक उपयोगी है। इससे शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और भगवान सूर्य के 1 नाम का उच्चारण करके और फिर दंडवत करें, फिर उठकर दूसरा नाम बोलकर दूसरा दंडवत करें। इस तरह आपको 12 साष्टांग दंडवत प्रणाम करने होते हैं जो हो जाते हैं। और इसमें कभी भी शीघ्रता न करें, पूर्णी भक्ति भाव से, पूरी तरह से, मानसिक रूप से उनका ध्यान करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए ये दंडवत करना चाहिए, साष्टांग दंडवत। तो प्रथम सूर्य मंडल में सौंदर्य राशि भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। भावना से दोनों हाथ भगवान के सुकोमल चरणों का स्पर्श करते हो और ललाट भी उसी सुख स्पर्श में केंद्रित हो और आंखें उनके सौंदर्य पान में मत हो। इसमें जो संकल्प है, जैसे आप शुरू करेंगे तो पहले ही दिन ये संकल्प करना पड़ता है, बाद में नहीं करना पड़ता, केवल एक ही बार करना पड़ता है, इसे रोज नहीं करना पड़ता। तो जब आप शुरू करें सूर्य को जल चढ़ाना या सूर्य को अर्घ्य देना, तो ये संकल्प कर लें
ओम विष्णु अध्या, यानी आज का दिन जो भी हो वो दिन बोल लें, अहम यहाँ पर अपना नाम बोल लें, श्री परमात्मम प्रीत्यर्थमादित्यस्य द्वादश नमस्काराख्यम कर्म करिष्ये, बस इतना आपको बोलना, ये संकल्प है इसका। संकल्प के बाद अंजलि में या ताम्र पात्र में, यानी हाथों की अंजलि बना करके या फिर तांबे के बर्तन में लाल चंदन, अक्षत यानी चावल, अक्षत चावल वो होते हैं जो टूटे हुए नहीं होते, बिना टूटे चावल को अक्षत कहा जाता है। जो टूटे चावल होते हैं वो पूजा में ग्रहण नहीं किए जाते, उनको अक्षत नहीं कहते। अक्षत यानी जो कि किसी प्रकार से टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल। और फूल डालकर हाथों को हृदय के पास लाकर, अब हम मंत्र बता रहे हैं, उन मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य दें। और इसमें ये ध्यान रखें कि जो सूर्य के पुष्प हैं आप वही पुष्प इसमें डालें। तो एक तो मिश्री डाल दें, मीठा शक्कर न डालें, मिश्री डालें, मिश्री। और उसके साथ में लाल फूल, कनेर के, गुड़हल के और नीम के, और श्वेतार्क यानी जिसको मदार भी कहा जाता है, ये पुष्प सूर्य के हैं। इन पुष्पों को उसमें डाल लें और मिश्री डाल लें, और उस जल को इसमें जो है सूर्य को अर्पण करना है। और ये सूर्य को जब जल अर्पण करते हैं, सूर्य समक्ष हों, सुनहरे रंग के हों, थोड़े लालामी लिए हुए, तब जो है इस प्रकार से खड़े होकर के उनको जल अर्पित किया जाता है कि उनका जो जल गिरे तो उसके कुछ छींटे आपके ऊपर अवश्य गिरे, यानी जल जो वहाँ पे गिरेगा छत पर या जमीन पे जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, तो उसके कुछ छींटे आपके ऊपर अवश्य आने चाहिए। तो इसके लिए भगवान सूर्यमंडल में जो भगवान नारायण स्थित हैं उनका ध्यान करना चाहिए। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर, ये मंत्र से ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय पुरधरतु शंख चक्र। ये विधि है जिससे उनका ध्यान करना चाहिए, और मन में मानसिक रूप से उनका बाकायदा आपको रथ नजर आना चाहिए सूर्य का, जब और ये नजर आता है भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर। और ये जब दर्शन आपको ऐसे मानसिक रूप से हो जाए, उसके बाद आप ये 12 मंत्र हैं, इन 12 मंत्र से 12 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें उनको। सूर्य को अर्घ्य आप अर्पित कर चुके हैं, इसके बाद में उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तो ये जो 12 साष्टांग दंडवत प्रणाम करे जाएंगे, इसमें जो मंत्र बोले जाएंगे, 12 मंत्र बोले जाते हैं, हर दंडवत प्रणाम में एक मंत्र आपको उच्चारण करना है। तो जो जल चढ़ा रहे थे आप, जो सूर्य को जल अर्पित किया, उसके लिए मंत्र है ओम घृण्य सूर्याय नमः स्वाहा, ये बोल करके आप उस जल को सूर्य को चढ़ा देते हैं। उसके बाद में अब जो साष्टांग दंडवत करेंगे, अब ये 12 मंत्र हैं, इनसे आप उस सूर्य भगवान को 12 दंडवत साष्टांग दंडवत करें। और ये पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः स्वाहा, ओम रवये नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भानवे नमः स्वाहा, ओम खगाय नमः स्वाहा, ओम पूषणे नमः स्वाहा,
ओम हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा, ओम मरीचये नमः स्वाहा, ओम आदित्याय नमः स्वाहा, ओम सवित्रे नमः स्वाहा, ओम अर्काय नमः स्वाहा, ओम भास्कराय नमो नमः स्वाहा। ये 12 मंत्र हैं जो 12 साष्टांग दंडवत जो आप करेंगे उनके लिए हैं। इसके बाद सूर्य के सारथी अरुण जो हैं उनको अर्घ्य दिया जाता है। तो सूर्य के जो सारथी हैं अब उनको अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद में ये दूसरा अर्घ्य है, आप सूर्य को अर्पित कर चुके हैं, अब उनके सारथी को अर्घ्य दिया जाएगा। और इसका जो श्लोक है वो ये है, विंतातनयो देव कर्म साक्षी सुरेश्वर सप्ताश्व सप्तरज्जुश्च अरुणो मे प्रसीदतु। ओम कर्म साक्षिणे अरुणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। इसके बाद सूर्यार्घ्य का जो जल है उसको मस्तक और आंखों में लगाएं तथा कुछ चरणामत निम्नलिखित मंत्र है जो कि हम उच्चारण करने जा रहे हैं। इस मंत्र से उसको आंखों और मस्तक पे लगा के उस चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए, यानी जो जल अर्पित किया है उसमें आप इसको ग्रहण करेंगे, पिएंगे, यानी कि आपको ग्रहण करना है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। ओम तत्सत् कृतमिदं कर्म ब्रह्मणार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। हम आपको इसमें विशेष बात ये बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को जब कुष्ठ रोग हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको इसी उपदेश को किया था। सांब को सूर्य उपासना का निर्देश दिया गया था भगवान श्री कृष्ण द्वारा। तो सांब ने शिव की वो सूर्य की उपासना की और उससे उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। तो सूर्य जब कृपा करते हैं तो जितने भी त्वचा रोग होते हैं या कुछ सूर्य से संबंधित रोग हैं, जैसे नेत्र रोग है या कुछ गले संबंधी रोग रहते हैं, किसी को थायराइड वगैरह या को गलगंड बोलते हैं जिसको, ये सब दूर हो जाते हैं। कई प्रकार के रोगों को ये दूर करते हैं। तो इसलिए भगवान सूर्य का जो अर्घ्य या सुबह जल चढ़ाने का जो विधान था वो हमने यहाँ वर्णन किया। हम नरेंद्र सिंह तोमर आनंद महाभारत के परमवीर योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी ने भगवान सूर्य के चरणों में नमन करते हुए और साष्टांग दंडवत करते हुए ये विधान प्रस्तुत किया। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इस विधान का संपूर्ण लाभ उठाएंगे। आपका भगवान सूर्य कल्याण करें, इसी कामना के साथ ओम गृह्णी सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय।